मौला इसकी मुसीबत में जाए। क्या हो गया बेटा, क्या तकलीफ है तेरी? अब वाजा करम करेंगे, दुआ मांगने दो, दुआ मांगने दो, दुआ मांगने दो, मौला सब मुश्किल आसान करेंगे। यह दुआ हम ही करता है, फाजा का संगर, फाजा का मक्कड़ है इधर, समझा, फाजा का दरबार है इधर, हम ही दुआ करते हैं, दुआ करो। नहीं तो दोस्तों, शिहाब भाई को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। शिहाब भाई जो आज ही सुबह अजमेर पहुंच चुके हैं, और जब वो अजमेर पहुंचे तो वहां बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वो ख्वाजा की दरगाह में ज़्यारत करने शाम को गए। जब वो ख्वाजा की दरगाह में ज़्यारत करने गए तो उन्होंने वहाँ चादर भी चढ़ाई, और शिहाब भाई ने जैसे ही वहाँ दुआएँ मांगी तो वहाँ पर एक खादिम आया और उसने उनके साथ बहुत ही बदतमीज़ी से पेश आया। शिहाब भाई जब दुआ मांग रहे थे तो वो उनके ऊपर बार बार हाथ रख रहा था, कभी वो उनके सर पर हाथ रखता, कभी वो उनके कंधे पर हाथ रखता। शिहाब भाई को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शिहाब भाई उन्हें बार बार रोक रहे थे कि वो उन्हें न छुए। आखिर में शिहाब भाई के बार बार हाथ हटाने से वो खादिम बदतमीज़ी से पेश आने लगा, और उसने शिहाब भाई से कहा कि अगर तुम मेरे हाथ को नहीं रखने दोगे, मैं ही ख्वाजा की दरगाह में दुआ करता हूँ सबके लिए, और अगर तुम मुझसे दुआ नहीं कराओगे तो तुम इस दरगाह से निकल जाओ। खादिम की इस बदतमीज़ी से पेश आने से वहाँ के सभी लोगों को बहुत ही गुस्सा आया, पर शिहाब भाई ने सभी को रोका और कहा कि बस दुआ मांगो और यहाँ से चलो, और वो वापस उल्टे पैर वहाँ से वापस चले गए। सभी से गुजारिश है कि शिहाब भाई के लिए दुआएं करें ताकि वो खैरियत से अपने हज सफ़र को पूरा करें। मौला इसकी मुसीबत में जाए। क्या हो गया बेटा, क्या तकलीफ है तेरी? अब वाजा करम करेंगे, दुआ मांगने दो, दुआ मांगने दो, दुआ मांगने दो, मौला सब मुश्किल आसान करेंगे। यह दुआ हम ही करता है, ख्वाजा का संगर, ख्वाजा का मक्कड़ है इधर, समझा, ख्वाजा का दरबार है इधर, हम ही दुआ करते हैं, दुआ करो नहीं तो जाओ इधर से। चलो आजा बेटा, आजा भाग जाए। इधर कम है विलास भाई, इधर कम है, इधर कम है, नहीं देखना।